क्या चाल है महाराज? करेंगे सब कुछ करेंगे सब कुछ थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग तुहाडा बहुत धन्यवाद जी मैं थोड़ा मिलना आवगा स्पेशली ऊपर रल के कम करना जी दोनों स्टेटा गुआढ़ी स्टेटा लड़ाई कर रहे हाँ जी सर बोला सारे नु बेनती है प्लीज सुन लो मैनू सारे प्लीज सुन लो मैनू दूजे पास दो ये वाला राइट वाला हाँ बस बस आवाज आ रही है जी देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूं ना डरूं और सो जब लाए जाए डरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं बोले सो निहाल सत श्री अकाल गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोच उन्हां दी गल कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तिन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं ए सोचते पहरा दिंदे होए फिर कहदा एक बार जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तिन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं ए सोच खालसा पंथ दी है एक सोच श्री गुरु गोविंद सिंह दी है गुरु नानक दी है ए सोच नू अगे लेके उना दी सोच ते पहरा दिंदे होए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी ने हरीश रावत जी ने
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जिदे पल्ले कुछ नहीं सी जिस घर च जम्मिया उदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर थले मेरी मां टोबे चो मैं नाल जांदा सी टोबे विच ते असी गारा लेके आंदे सी विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिपड़ा पांडू साडियां कंधां ते फेरदे सी असी आप मेरे फादर ने हर घर दे विच टेंट लगाए शशिपाल जी बैठे अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं सी राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है एक अगां वधू सोच है गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चो उठ रहे है जेड़े गरीबी चो उठ चुके है जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे बढ़ रहे है उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब दे आम आदमी वालों राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का पंजाब प्रदेश कांग्रेस का पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान का सारे MLA साहबान का सारे कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सारे सबका प्रधानों का पंजाब की जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना अज के गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए गुरु साहब ने कहा कि आप ही के तिन ही के सजाए सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया है जे कोई मैं तो तुक दे विच गलती हो गई हो या वाक दे विच गलती हो गई या मेरे बोलन च गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े ये गुरु की कृपा है ये वाहगुरु की कृपा है मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है शहीदा सिंह की कृपा है चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है जिन्होंने जदों गुरु साहब के बेटियां नूं उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया होया है साडे बजुर्गों ने ऐसी उस धरती तो मैनूं चुनिया जांदा है जिहड़ी उस पवित्र धरती तो जिथे मानवता दे वास्ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहबजादे बारे सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का मैं गरीब का नुमाइंदा है चाहे गरीब किसान है चाहे गरीब दुकानदार है चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज़ मजदूरी करके खांदा है चाहे छोटा दुकानदार है चाहे गरीब किसान है चाहे किसी जाति का गरीब है मैं उन्हां दा नुमाइंदा मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा जिहड़े सोचां दे विच अपनी दे कालख रखदे है मैनूं उही बंदे मिलन जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहुंदे है ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
मैं रिक्शा चलाने वाले तैनू कहिंदा मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस सी, मैं घर घर कुर्सियां ढोईयां, मैं हर पंजाब दे आम लोग दा नुमाइंदा, अज आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, अज पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। सो सत्कारयोग पत्रकार वीरो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करदा ते मैं थोड़े तो आस रखदा कि आपने रल के पंजाब की डेमोक्रेसी नू, पंजाब की आजादी नू, पंजाब दे लोकां दी चढ़त नू अगे लेके जाना है, पंजाब नू खुशहाल करना है, पंजाब नू तकड़ा करना है। सोने दी चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहुंदा है कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नू अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है, किसानां दे दी हितैषी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी दी सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नू अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नू खेत च काम मिलदा है, किसान दी फसल आएगी तां किसानी तां पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण दवांगे। ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करदे हैं किसान संघर्ष दा, ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जाए जिहड़े काले कानून है, ते असीं इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसी बलछड़ रखे, बिना किसी अहुदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ांगे। अगली मेरी बेनती यह है कि मैं नहीं सुनना, तो ना मेरी हाई कमांड तो मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी है। अज ही इहदा फैसला कर देंगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर देंगे। जेड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहीदी है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20-20 लाख दे, 50-50 लाख दे, सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज्जी मीटिंग दे विच। गरीबां नूं बोले सो निहाल, किसे गरीब दा कनैक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी उहदा बिल देना है, जिहदे पिछले 5 सालां दे विच या 10 सालां दे विच किसे दा कनैक्शन कटिया गया कि इहदा बिल रहिंदा है, वो सारे बिल माफ करके उहदा कनैक्शन लगेगा। गरीब 31 अगस्त तक जिहड़े किसे दा भी गरीब दा, वो असीं तय करांगे अज कैबिनेट दे विच साडी हाई कमांड दे अनुसार, लेकिन उन्हां दे बिल दुबारे चला के हिसाब किताब बराबर कर देना, बिल पाड़ देने, अगे नूं बिल नहीं आना। ते नाल नाल पानी माफ, बिजली दी मैं गल कर ली है, शहरां दे विच वाटर सप्लाई ते सीवरेज 200 गज तक दे या 150 गज तक दे अज जिवें फैसला होएगा उन्हां तों नहीं लिता जाएगा। ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी दल्ल करनिया सौखियाँ, लेकिन असी उन्होंने नाल खड़ना है। ये पब्लिक लोगों की सरकार है, पंजाब के लोगों की,
इस सरकार दे विच कोई यह नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साड़ी सरकार है, यह सरकार पंजाब दे लोकां दी है, इन्हां ने सानू बनाया। बहुत फैसले लेने हैं असीं पंजाब दे हित दे विच। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो उन्हां नू पानी दे राखे भी कहा गया है, लोकां ने उन्हां नू हरन प्यारता भी दिती है। साड़ी पार्टी दे लीडर हैं, जो काम अजे टाइम बचता सी अधूरे रह गए हैं, ऐसी करांगे। जेड़ी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहिंदे हैं, हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावांगे। ना बरगाड़ी अगे पएगा, ना कोई होर अगे पएगा, गणाउण दी लोड़ नहीं, तुहानूं सारे पता मैं गणाउंदा ही रहा पिछले 6 महीने या साल। ये मुद्दे सारे हल होने हैं, किसी नाल दरैंत नहीं होनी है सरकार वालों, कोई बिंडाटा किसी नाल नहीं, किसी नाल लड़ाई नहीं, लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ हाजिर है। संविधान के अंदर ही होएगा सब कुछ, किस कुछ भी किसी नाल कोई गलत नहीं होएगा। ये मैं थोनों अज गरंटी देना चाहता पंजाब के लोगों, किसी का एक भी बंदा मेरे जब तक एक यह सरकार बैठी है लोगों की नजायज़ थाने च नहीं जाएगा। पारदर्शी सरकार दिती जाएगी, कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज़ तंग नहीं करेगा, सारिआं नूं इंसाफ मिलेगा। दोषी अंदर जाणगे, चाहे वह कोई भी होवे, चाहे किस दा वड्डा होवे, चाहे छोटा होवे, किसे सब वास्ते कानून इक। ये नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है, तहसीलों के विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा, या मैं रहांगा या फिर नहीं तो वो रहणगे। ईमानदारी पल्ले रखी हुई है, लोई लेके आउंदा लोई लेके घर चला जावांगा, लेकिन ईमानदारी सरकार नहीं छड्डेगी, मैं कल्ला नहीं, सरकार च चलेगी ईमानदारी। अरे पारदर्शी थोड़ा असीं दिखावांगे इस तरह हो रही है। तो मैं एक, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरा भरा डॉक्टर है, मेरे घर च भी बहुत सारे कर्मचारी है। मेरी वाइफ जब बिजली का बिल आता मैनू मेरे वालू देखण लग जाती, कहती मेरे तनखाह चो जाने है। ये ईमानदारी की गल दस, अच कुछ मैं झूठ नहीं बोलना, ये बिल कटने हैं ता कि किसी की बीवी उन्होंने ये ना कहे कि देने कितने ते है। मैं कर्मचारियों के मेरे परिवार के बहुत हैं, इस करके मैं कर्मचारियों का नुमाइंदा हैगा। कर्मचारी साढ़े जिंद जान है पंजाब सरकार नू चलाउंदे है, इसलिए मैं पंजाब सरकार दे सारे इंपलाइज नू हाथ जोड़ के बेनती करदा कि थोड़ा भरा थोड़ा छोटा है बड़ा है थोड़ा पुत्र है, मैं उरे मैनू मेरे नुमाइंदियां ने बिठा लिया, एक एक मसले का हल कर दांगा, किसी नाल कोई दरैंत नहीं होएगी, थोड़े बकाए आ वह रहेंगे, जेड़े पक्के होने वाले पक्के होंगे, सब दे काम करांगा, मसले सारे हल करांगा, मैं थोड़ा जा टाइम दे दो। एक बार मेरी अपील ते सारिया हड़तालां बंद करके अपने काम ते आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं मंगता, मैं थोड़ा टाइम दे दो, ताकि मैं अपने रंधावा साहब बैठे हैं बहुत ही होनहार और कट्टर कांग्रेसी परिवार चो डिप्टी CM इन्हों बनाया गया है। जे इन्हों का खून टेस्ट करो जिते कांग्रेस ही निकलनी और ईमानदारी निकलनी, दो चीज़ा इन्हों के अंदर है। इन्हों साड़ी हाईकमांड ने साड़े MLAs ने डिप्टी CM चुनिया, मैं इन्हों बधाई देना और हाईकमांड का धन्यवाद करदा। सोनी साहब आजाद भी जीत गए सी, इन्हों का अपना एक मुकाम है और बहुत ही होनहार है। इन्हों अज मौका MLA साहबान ने कांग्रेस पार्टी ने दिता है, मैं इन्हों का इन्हों मुबारकबाद देना। असी पार्टी असी सारे बैठ के इंपलाइज के नाल गल करांगे,
जो मसले सारे हल करांगे, लेकिन एक बेनती जरूर करांगा कि वापस काम ते आ जाओ। आपने पंजाब नूं अगे लेके जाना है। जे किसी इंपलाई दे घर 10,000 फालतू जाना तां मेरे घर भी आना है, इस करके मैं उन्हां दे नाल खड़ा है। मेरे घर वो आ गए, आ पिछे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमान का झगड़ा सीगा, मैं नाल खड़ गया। मैं कहा इन्हां नूं पक्के करो, होर आए सी पानी वाले, मैं क्या पक्के करो इन्हां नूं, मैं उन्हां दे नाल खड़ा, अज तो नहीं पहला तो खड़ा है। फिर जे मैं उन्हां दे नाल खड़ा तां वो अज मेरे नाल आके दफ्तरां च खड़ जाण, काम पर जोर दे देण, मेरे ते विश्वास रखण, सरकार ते विश्वास रखण, पार्टी ते विश्वास रखण, मसले सारे हल हो जाणगे, कम्मां ते आ जाण। सो मैं हरीश रावत जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी है उन्हां दा धन्नवाद करदा, कांग्रेस पार्टी दा धन्नवाद करदा। एक मैं बेनती करांगा कि मेरा बिस्तरा मेरी गड्डी दे विच ही लग्या होया। सिद्धू साहब बैठन लगे, कहिंदे आ की है पिछे, मैं कहा भाई जी बिस्तरा लग्या होया, मैं तां 4 बजे तुर पैंदा, जिथे पहुँचना होवे 7 बजे पहुँच जाना। मैं पंजाब दे घर घर विच जाना है, मैं दफ्तर विच मिलांगा सारे सैकटरियां नूं। अज ही हदायत जारी हो जाएगी कि 2 दिन तक पक्का दफ्तर विच लोकां नूं मिलना है, लोकां दीआं सुननी है। डीसी ये नहीं है कि साढ़े लोग बाहर बैठे है तो आप अंदर बैठे चाह पी जा रहे हो, उन्हां नूं सब तो पहला लोगों को मिलना है। टाइम फिक्स होएगा, उस टाइम उत्थी होएगा डीसी। सैकटरीएट दे विच अफसर बंदियां नूं नहीं बुलाणगे, आप डायरेक्टोरेट जाके कित होर बैठणगे। सैकटरीएट दे विच दिक्कत आउंदी है लोगों को पास पूस बनाउण दी, होर सारयां दी हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, घर सारे अफसर तक, इस व्यवस्था की जाएगी। किसी नूं ये नहीं है कि उसका शिकायत का हल नहीं होया, ये सारिया चीज़ों का हल होएगा। मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज़ बनागा, तो पंजाब के आम लोगों को अगे ला के चलांगा, किसानी संघर्ष के आप जुटांगा, तो इस मसले को हल करा के देवांगा। सो मैं फिर भी थोड़े नाल मुलाकात होंदी रहनी है, इस करके ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता। यह जड़ी सरकार है कांग्रेस वर्कर की भी सरकार है, इस करके 15 सैक्टर के साडा मंदिर है जिथे मैं मत्था टेकन जाना हूँ। जे कांग्रेस के वर्कर की सुनवाई होएगी तो ही सरकार है, पार्टी सुप्रीम है, मुख्यमंत्री या कैबिनेट सुप्रीम नहीं है। पार्टी की आइडियोलॉजी नूं लेके सरकार चलेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होएगी, कांग्रेस पार्टी का राज होएगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी चलेगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी यही है कि सब नूं साथ लेके चलना है, देश की एकता अखंडता वास्ते नाल खड़ना है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी लेके चलांगे, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले होंगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी। पंजाब दे विच एकता अखंडता आपसी भाईचारा अगे बधेगा, मेल मिलाप होर अगे बधेगा, साड़ी मुट्ठी है जिहड़ी उसनों कोई खोल के अलग अलग नहीं कर सकता, चाहे ना जात दे नाम ते ना धर्म दे नाम ते। पंजाब अगे बधेगा। सो मैं एक बार फिर मेरा ख्याल है कि मैं सारिया गल्लां कर लिया, इस करके क्वेश्चन आंसर मैं फिर किसी टाइम थोड़े नाल, मैं कोई भी गल छड़ी नहीं, अज मेरा वर्षन लग जान दो,
ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਲਵਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ